नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। करियर इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं आपको रिसेंट कुछ भी न्यूज़ होंगी तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, या फिर कोई कट ऑफ, या फिर एनालिसिस, या फिर कुछ भी एग्ज़ाम्स रिलेटेड हो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। या फिर आप सजेस्ट भी कर सकते हो, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट होगा तो मैं वो डाउट भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत से दिन से लोग वेट कर रहे थे कि कैलेंडर कब आएगा। टेंटेटिव कैलेंडर जनवरी तक आ जाता था, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया, 10-15 दिन। लेकिन एबीपीएस ने, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स भी लेट हुए थे कोविड की वजह से, तो इस बार थोड़ा कैलेंडर लेट आया। लेकिन एग्ज़ाम्स तो इसी साल है, नेक्स्ट ईयर के। आपको दिख जाएगा 4 एग्ज़ाम्स के लिए कैलेंडर आ चुका है। पहली एग्ज़ाम है जो RRBs के लिए होती है, रूरल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। उसके जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से, मतलब 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होंगे। स्केल 1 के लिए, स्केल 2, स्केल 3 के लिए 25 सितंबर में होंगे। ऑफिसर स्केल 1 का जो मेन एग्जामिनेशन है, और ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट्स का जो मेन एग्ज़ाम है वो होगा सितंबर और अक्टूबर में। उसके बाद क्लर्क, जो इस साल का तो होना बाकी है अभी मेंस एग्जाम, तो जो प्रीलियम है वो 28, 29 अगस्त और 4 और 5 सितंबर को होगा। उसके बाद मेन एग्जाम उसकी 31 अक्टूबर को है। उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो है उसका भी उसके क्लर्क के बाद तुरंत ही आने वाला है, मतलब आपका अक्टूबर में पीओ का होगा और दिसंबर में एसओ का होगा, स्पेशलाइज ऑफिसर्स का। तो आप इस हिसाब से अभी यहाँ पे देख सकते हो सब लोग कि आपकी सीरीज में एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी 6 महीने के बाद आपके सारे एग्जाम सीरीज में है, मतलब 2-2 महीने पहले आप समझ लीजिए इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून तक के इसमें इसका आ जाएगा, जून तक के लास्ट वीक में इसका भी आ जाएगा, आपके अगस्त तक, और इसका आ जाएगा तकरीबन अक्टूबर तक। ठीक है, तो सारे एग्जाम सीरीज में है। पहले होगा रूरल बैंक का, उसके बाद में होगा क्लर्क का, उसके बाद में होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, उसके बाद में होगा स्पेशल ऑफिसर्स का। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों ने इस बार स्टडी किया था, कुछ बच्चे कोविड की वजह से ना दे पाए, कुछ बच्चे का कुछ मार्क्स रह गया, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए ढंग से। तो अभी भी 6 महीने हैं, 6 मंथ्स फ्रॉम राइट नाउ, तो आप यहाँ से शुरू करिए पढ़ाई। और ये सारा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको याद रहे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखिए, मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पे से डाउनलोड कर सकते हो ये PDF। आपको ये चारों चीज़ें रेडी रखना है, जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए एक्चुअली जो मेन चीज़ है कि ये चारों चीज़ें आप रेडी रखिए, ताकि आपको ये जब भी चारों फॉर्म भरने हैं तो डायरेक्टली आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, फोटो, साइन, थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का। ओके, ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको IBPS की साइट पे भी मिल जाएगा और आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिख मिल जाएगा। तो फटाफट आप ये चीज़ें डाउनलोड कर दीजिए, कैलेंडर में लिख लीजिए और इस हिसाब से आपकी स्टडी शुरू कीजिए। दोस्तों, एक कुछ मतलब एक प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, तो आपके लिए ये चारों एग्ज़ाम, या चारों या 3 एग्ज़ाम बोल सकते हैं, स्पेशलाइज का तो क्राइटेरिया अलग होते हैं, तो आप 3 एग्ज़ाम्स के लिए एटलीस्ट यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें से अभी SBI का, JEE का भी आने के चांसेस है, ये साल में आ जाएगा वो भी। तो आपके लिए, आपके पास JEE पकड़ के, SBI, JEE पकड़ के ये 4 एग्ज़ाम्स है, और स्पेशलाइज ऑफिसर जो जो लोग एलिजिबल है उनके लिए भी ये 5वां एग्ज़ाम है। तो आपको सीरीज में एग्ज़ाम देने हैं, तो एप्टी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इसकी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ क्वेरी होंगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा रिगार्डिंग स्टडी, और या फिर कोई मटेरियल चाहिए है तो आप वहाँ पे मुझे बताओ, और अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। क्योंकि ये अभी जो टाइम है ये मतलब ज़्यादा, हमेशा ऐसा होता था कि प्री हो जाता था, उसके बाद 11 महीने के बाद आपका नेक्स्ट प्री होता था, 11-12 महीने के बाद। तो इस बार अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अभी अभी प्री दिए है, अभी तो कुछ कुछ मेंस भी होने बाकी है, जैसे क्लर्क का भी और इसका PO का भी अभी अभी हुआ मेंस।
तो इसका मतलब ये है कि जो लोग तो पहले से क्लियर किए हैं उनके लिए तो और अच्छे चांसेस है कि मतलब इस बार नहीं भी हुआ तो टेंशन ना लो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिपरेशन को जारी रखो। वैकेंसीज भी इस बार अच्छी आएंगी तो उसके लिए भी आप वेट करो, और आखिर तक तो वैकेंसी बढ़ ही जाती है, ये हमने सबने देख लिया है। टेंटेटिव वैकेंसीज पर मत जाना और अच्छे से पढ़ाई करो, और ऑल द बेस्ट ऑल। और आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन में न्यू अपडेट्स आते हैं उसके बारे में डालते जाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं अभी बाद में RBI का एग्ज़ाम पैटर्न भी अच्छे से डालने वाला हूँ और बहुत सी चीज़ें डालने वाला हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू ऑल।